ये है बच्चों हमारा क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में। देखिए क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आप सभी बच्चे जानते हैं कि जिस तरह बायोलॉजी में मॉडल सेट पेपर से सिर्फ लगभग 20% सवाल ही मॉडल सेट से है, बाकी 80% सिलेबस जो क्वेश्चन आया था वो बाहर ही आया हुआ था, आपके सिलेबस से ही आया हुआ था लेकिन मॉडल सेट से नहीं था। इसलिए आप सभी बच्चे जो भी केमिस्ट्री के देखिए एग्जामिनेशन होने वाला है 19 को, तो आप सभी बच्चे भी देखिए सिर्फ मॉडल सेट के भरोसे मत रहिए, क्योंकि जैक बोर्ड ने अपना पहला दिन बच्चों पहला एग्जाम जिसमें अपना पैटर्न बदल दिया है वो है बायोलॉजी, और सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट बदला है, ना कि आर्ट्स में, नहीं कॉमर्स में। इसलिए आप सभी बच्चे देखिए जो भी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन देने वाले हैं, चाहे मैथ का एग्जामिनेशन आपके आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि आप मॉडल सेट के भरोसे आप लोग नहीं रह सकते। जो बात है देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, इसलिए मॉडल सेट से हटके कुछ सवाल करके जाइए। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई की तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, लेकिन अगर आपने सिर्फ एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ा है तो आपको देखिए बहुत सी दिक्कत होनी। इसलिए आप क्या करिए कुछ एक्स्ट्रा MCQ करके जाइए, ठीक है। जैसे बच्चों चलिए वक्त बिना हम लोग कुछ सवाल टिक करते हैं। जैसे कि बच्चों स्कैंडियम, पहले बात तो देखिए याद रखिएगा स्कैंडियम बच्चों ये कौन सा एलिमेंट है, तो इसे कहा जाता है बच्चों क्या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखिए, जब तक आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता रहेगा ना तब तक आप कुछ भी बोलिए मैं अगर बता भी दूं तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए देखिए पीरियोडिक टेबल आपको जानना जरूरी है। बिना पीरियोडिक टेबल के आप लोग इसने बात नहीं सकते, क्योंकि स्कैंडियम शुरू कहाँ से होता है पीरियोडिक टेबल नहीं, ये आपको मालूम होता है ना आप करिएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल हमारा द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए संक्रमण धातु जो होते हैं बच्चों उनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है बच्चों हमें बताना है। तो याद रखिएगा N-1 D1 से लेकर 9 तक और NH2 के रूप में क्या रहता है बच्चों लोगों लगातार चलते रहता है, ठीक है। अगला बच्चों हमारा Mn2+ यानी मैंगनीज जो बच्चों 2+ है मतलब बच्चों वो क्या है कटायन है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए दान किए हुए, लेकिन उसका जो कलर हमें ये बताना है क्या बच्चों पिंक होता है ग्रीन होता है ब्लू होता है कि नन ऑफ दीज होता है। तो याद रखिए बच्चों Mn2+ का जो कलर होता है वो क्या होता है बच्चों पिंक होता है, तो 3 का बच्चों 8 टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा करेक्ट, देखिए ये जो सवाल आप लोग खुद बना लीजिएगा, क्रोमियम 24 दिया हुआ है आपको, इसका क्या करना है इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन करिएगा तो क्या निकलेगा बच्चों, तो 3D5 निकलेगा और 4S1 निकलेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो मैं ऐसा करता हूँ आपसे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आप आराम से निकालिएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है बच्चों हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, इनमें से देखिए सबसे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका मैक्सिमम क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। स्कैंडियम है बच्चों, आयरन है, जिंक है और बच्चों मैंगनीज हमारा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा मैंगनीज का सही आंसर है, ठीक है। अगला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कलरलेस सॉल्ट, देखिए इनमें से 4 बच्चों आपको क्या दिए एलिमेंट दिए बताना है इनमें कौन सा कलरलेस सॉल्ट बना हुआ है। तो कलरलेस सॉल्ट को बच्चों कौन बनाता है, वो बनाता है हमारा कॉपर है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम बच्चों और आयरन है। तो यहाँ पर देखिए सभी का वैलेंसी बच्चों क्या है 3+ है एक्सेप्ट हमारा कॉपर के अलावा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वो स्कैंडियम हो जाएगा, स्कैंडियम 3+ ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा, ठीक है। अगला बच्चों हमारा आर्गन का देखिए दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है, आर्गन का दिया हुआ है। इस करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए इनमें से बच्चों किसका इसका सेम टू सेम मिलने वाला है ये हमें बताना है, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर टिक कर लीजिएगा N9 ही होगा, ये बच्चों निकल पर टिक कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगला फिर से बच्चों इनमें से कौन सा बच्चों एक क्या बनाएगा कलर, इस पर कलरलेस नहीं बोला बच्चों क्या बनाएगा एक कलर यानी इसमें क्या होगा बच्चों कलर मिलेगा, तो किसमें कलर मिलेगा वो होगा जो बच्चों आयरन हो जाएगा Fe3+ होगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KMn4, देखिए हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट KMn4 Mn का निकालना है, तो बच्चों आप Mn का कैसे निकालिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अगर आएगा तब ना निकालिए, सबसे बड़ा बात है कैसे निकालिए ऑक्सीडेशन बताइए जरा सब। देखिए जिसको जिसका निकाला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट उसको क्या रखा जाता है एक्स रखा जाता है, बाकी जो भी हमको अगर प्लस माइनस अगर कोई भी उस पर चार्ज नहीं है बच्चों तो सीधा बात होता है हम लोग 0 मान लेते हैं, बाकी आप लोग निकाल लीजिए उसी तरह जिस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकलेगा, ठीक है। देखिए ये अल्कोहल बच्चों फिनॉल इथर का कुछ सवाल है, देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें बेंजीन में बच्चों क्या जुड़ जा रहा है C2H5CH जुड़ जा रहा है, प्रेजेंस में क्या डाल रहा है एनहाइड्रेस बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड, और आप बताइए कौन सा रिएक्शन है बच्चों, पढ़ा होगा तो रिएक्शन तो बता दीजिएगा आराम से, लेकिन रिएक्शन याद ही नहीं है तो बताइए कहाँ से। उर्ज रिएक्शन, फिटिंग रूड फिटिंग रिएक्शन, फ्रेंकल रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, ब्रोफमैन होमाइड रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन कैसे बताइए, तो रिएक्शन याद रखिए तभी ना आप सभी बच्चे बता पाइएगा। तो बच्चों अभी तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि देखिए ये कौन सा रिएक्शन बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है ये, ठीक है। अगला बच्चों हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक सवाल जरूर आएगा कि इनमें से देखिए कौन सा बच्चों 1-क्लोरोब्यूटन बोला हुआ है,
देखिए बच्चों, वन में मतलब क्या, ब्यूटन जो आपका जो बच्चों क्लोर में क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है वो कहाँ जुड़ा हुआ बच्चों, ब्यूटन में जुड़ा हुआ। ब्यूटन के किस भाग पे जुड़ा हुआ है इसका जब आप लोग बच्चों क्या लिखिएगा बच्चों, IUPAC में लिखिएगा, तो ऑप्शन नंबर वन आपका क्या होगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखिए ब्यूटन बुला हुआ है तो ब्यूटन में बच्चों चार कार्बन होंगे, और चार कार्बन देखिए ऑप्शन नंबर ए में और कहीं पर आपको नहीं मिलने वाला है। ये रिएक्शन फेमस रिएक्शन बच्चों, कौन सा देखिए बच्चों इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर CH3 जुड़ा और Cl2, बताइए बेंजीन बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर कोई प्रोडक्ट जो है इनमें से फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, ठीक है। देखिए वजह भी दिया हुआ हिंट के रूप में, आप देख सकते हैं। फिर देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन और प्लस वाटर, वाटर में बच्चों स्टीम यानी भाप को लिया हुआ है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा तुम बताना है। तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर बच्चों क्लोरीन अगर सटा हुआ है फिर वो सट जाएगा तो बच्चों क्या बनता है, फिनॉल का निर्माण कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला बच्चों फिर से आपको रिएक्शन दिया हुआ कि CH3 CH2 Cl है, सोडियम हाइड्रेट रिएक्शन करता है, आयोडीन जुड़ गया बच्चों, क्लोरीन क्या हो गया बाहर हट गया, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोफियन रूल, ठीक है। मार्कोफियन रूल के अनुसार बच्चों ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बच्चों हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन करता है, वो कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, वो होगा आपका ये वाला ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब, टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल बच्चों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से कौन सा बच्चों कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, 1-chlorobutane 2-chlorobutane 1-chloropropane या फिर 2-chloropropane, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2-chlorobutane। अगला सवाल है बच्चों इथाइल ब्रोमाइड, देखिए इथाइल ब्रोमाइड बच्चों आप लोग क्या कर रहा है, रिएक्शन करवाना है CH3CH2Br का, इसे सिल्वर नाइट्रेट AgO से रिएक्शन करा, तो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका नाइट्रो इथन बनेगा। देखिए रिएक्शन करवाना पड़ेगा, यहाँ लिखने की जगह नहीं, सीधा बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये भी आपको दिया हुआ एक रिएक्शन, यहाँ पर बच्चों बराबर छोटा हुआ है, ठीक है बता देता हूँ, यहाँ पर छूट गया कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर एरो होगा, सॉरी बराबर नहीं बच्चों, एरो होगा। ये कौन सा रिएक्शन बताना है बच्चों, तो बच्चों क्या है ये रिएक्शन, देखिए यहाँ पर होगा पहला बात, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में, तो याद रखिए ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है, ठीक है ये। अगला है अल्कोहल फिनॉल और इथर, इसमें से तो बच्चों सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, अल्कोहल इथर को क्या कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल सॉरी बच्चों, या फिर इथेनॉल जिसे आप क्या कह सकते हैं, गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों 573 K पर केल्विन पर गर्म कर रहे हैं, कॉपर पेंस में रखे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो बच्चों एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेंजीन में और सोडियम है, तो बच्चों क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, वो आपका यहाँ पर बन जाएगा ये प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। फिर इथाइल अल्कोहल और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को बच्चों रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ए नाम का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका मीथेन बनेगा। फिर क्लोरोबेंजीन और वाटर रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन वाटर कौन सा बच्चों, स्टीम यानी भाप वाला, कितना डी टेम्परेचर है 700 केल्विन रखते, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बच्चों क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा, जब इथाइल अल्कोहल को रिएक्शन करवाते हैं बच्चों हीटेड करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कितना 140 डिग्री पर, तो कॉन्ग H2 किसका प्रेजेंस में, कॉन्ग यानी हाँ बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2 से प्रयोग, तो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो हमें बताएं, तो क्या बनेगा, वो डाईथाइल इथर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये बच्चों ये सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए मॉडल सेट पेपर हटके थे, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इनमें से देखिए सवाल आपका बनेगा एग्जाम में, क्योंकि MCQ कितना घुमा के पूछेगा, CBSE बोर्ड की तरह थोड़ी है कि बच्चों कुछ भी उठा के पूछ देगा, इसलिए इन सवालों को अच्छे से कर लीजिए। VVI सवाल है, आपके एग्जाम में पेपर छपेंगे। तो अगर आपको फिलहाल ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर बस करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।